अस्सलाम वालेकुम। दार एरकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूँ आपका मैथ का टीचर। आज का हमारा हम पढ़ रहे हैं ग्रेड थ्री की मैथ यूनिट नंबर वन। हमारे पास है नंबर्स। आज का जो हमारा काम है वो है पेज नंबर 18 और पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 18 पे हमारे पास है कंपेयरिंग ऑफ फोर एंड फाइव डिजिट नंबर। पेज नंबर 20 हमारे पास है ऑर्डरिंग ऑफ फोर एंड फाइव डिजिट नंबर्स। अब कंपेयरिंग क्या होता है, ऑर्डरिंग क्या होता है? कंपेयरिंग सिंपल है, सिंपल। अगर आपको दो वैल्यूज दी जाए और आपको कहा जाए कि इन दोनों को कंपेयर करो और मालूम करो कि कौन सी वैल्यू इसमें से बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। कंपेयरिंग हम किस लिए करते हैं? किसी भी वैल्यू में अगर दो वैल्यूज़ हो, तीन वैल्यूज़ हो, चार वैल्यूज़ हो, दस वैल्यूज़ हो, उसमें अगर हमसे पूछा जाए कि मालूम करें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिलहाल हमारे पास बुक में है दो वैल्यूज़ की कंपेरिजन, तो हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं और इसकी कंपेरिजन करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम ले लेते हैं एक फोर डिजिट नंबर, ठीक है। ये फोर डिजिट नंबर हमारे पास यहाँ है, एक फोर डिजिट नंबर यहाँ है। ये दोनों वैल्यूज हमें दी गई और पूछ रहा है कि मालूम करें कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। ग्रेटर और लेस देन के लिए तो सिंपली जो बड़ा होगा उसकी तरफ आपने उसका मुंह जो है वो खोल देना है, जो आपके पास साइन है, ठीक है। तो आपके पास ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगा। अब करना क्या है कंपेयरिंग के लिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, चेंज देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ है उन दोनों में चेंज कहाँ आ रहा है। मैंने स्टार्ट किए यूनिट से टू टू वन वन। अब जब मैं थाउजेंड में पूछा पहुंचा तो यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, वो वन है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई ये थ्री जो है ये वन से बड़ा है। तो जब थ्री वन से बड़ा है यानी इसकी थाउजेंड की वैल्यू इसकी थाउजेंड की वैल्यू से छोटी है, इसके थाउजेंड की वैल्यू इसके थाउजेंड की वैल्यू से बड़ी है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, बड़ी होगी, ठीक है। ये नहीं है कि जहाँ चेंज आया आप वहाँ रुक तो जाएंगे, ठीक है, रुकेंगे उस सूरत में अगर आगे की सारी वैल्यूज सेम हो। अगर आगे की वैल्यूज चेंज हो तो फिर थोड़ा सा आगे जाके चेक कर लें, ऐसा ना हो कि सिर्फ इसका थाउजेंड बढ़ाओ और जाके उसका टेन थाउजेंड बढ़ाओ, फिर ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो जहाँ चेंज आ रहा है वहाँ रुक जाना है, लेकिन पहले आगे की वैल्यू चेक करनी है। अगर आगे की सारी वैल्यूज सेम है तो उसी चेंज की बुनियाद पे आपने मालूम करना है। अगर आगे की वैल्यू सेम नहीं है तो फिर आप आगे जाके जो दूसरा चेंज आ रहा है आपने वहाँ रुक के वहाँ से आपने बड़े छोटे का इंतखाब करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल फाइव डिजिट नंबर की भी। हमारे पास दो फाइव डिजिट वैल्यूज मौजूद हैं, हम चेंज देख लेते हैं। हमने यहाँ देखा इसके यूनिट में वन है, इसके यूनिट में थ्री है, इसका यूनिट बड़ा है, बड़ा है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे की सारी वैल्यूज सेम है या नहीं। हमने देखा ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ आए तो यहाँ किसका थाउजेंड चेंज है, इसका थाउजेंड क्या है छोटा है, इसका थाउजेंड बड़ा है। अब अगर हम यूनिट के भी आप इसको देखें तो फिर तो यूनिट इसका बड़ा है, लेकिन आगे थाउजेंड क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है तो हम फिर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को देखेंगे यानी थाउजेंड को देखेंगे। अब थाउजेंड जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू ज़्यादा से बातें बड़ी होगी, थाउजेंड इसका बड़ा है। आगे हमने देखा कि सिक्स दोनों में सेम है तो हम इसको डेडिकेट कर देंगे कि ये वैल्यू हमारे पास बड़ी वैल्यू है यानी ये ग्रेटर है इससे, ठीक है। कंपेयरिंग में सिंपल आपने चेंज देखना है, चेंज के बाद की वैल्यू अगर सेम हो तो उसी चेंज के बिहाफ पे आपने फैसला करना है। अगर तो से आगे की वैल्यू सेम ना हो तो थोड़ा सा आगे जाके देख लीजिएगा, अगर आगे का चेंज किसी और का बड़ा आ रहा है तो आपने उस वैल्यू को बड़ा डेडिकेट कर देना है, ठीक है। आते हैं ऑर्डरिंग की तरफ। ऑर्डरिंग हमारे पास होती है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास तीन वैल्यूज़ है, ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने तीन वैल्यूज ले ली हैं, अभी तीन वैल्यूज में इसका असेंडिंग ऑर्डर मुझे मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें चेंज देखूंगा। मैंने देखा यूनिट इसका सेम है, इसका सेम है, यहाँ यूनिट चेंज है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इसका चेंज देख लेता हूँ, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ चेंज, इसका यूनिट बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ, ये सेम आ रहा है, यहाँ ये फिर चेंज है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूँ चेक करने के लिए, ये चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज, आगे का सेम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चेंज हमारे पास कहाँ आ रहा है? सबसे बड़ा चेंज हमारे पास आ रहा है 1000 में, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 7, 1000 में चेंज है। हमने बड़ी प्लेस वैल्यू का चेंज देखना है, छोटी प्लेस वैल्यू का चेंज है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के बड़ी प्लेस वैल्यू चेक करें, अगर वो भी चेंज है तो आपने फिर उस हिसाब से इसको अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर का उसने हमें कहा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन तीनों थाउजेंड्स में सबसे बड़ा थाउजेंड किसका है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, या 6 है, तो 6, 2 और 7 में 7 सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारे पास कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट होता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी हमारे पास क्या है, 2 वाली है, तो हमने लिखी 2 वाली। ठीक है, फिर हमारे पास इसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, 6 वाली, तो हमने 6000 वाली वैल्यू लिख ली। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में आई 7000 वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर इसी वैल्यू का हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो तरीकेकार बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिसेंडिंग में क्या है कि बड़ी से छोटी में आना है। तो सबसे पहले आपके पास आएगी बड़ी वाली वैल्यू, यानी 7000 वाली, सेकंड पे आपके पास आएगी 6000 वाली, थर्ड पे आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट 2000 वाली। ठीक है, तरीका सेम है, कंपेयर करना है पहले, चेंज मालूम करना है, लार्जेस्ट चेंज की भी आप पे आपने फैसला करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। उसके बाद आपने अगर आपसे असेंडिंग पूछा है तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, अगर डिसेंडिंग पूछा है तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये आपके पास आज का काम है, आज की वीडियोस में इतना ही था। इसके बाद जो आपका कल की डायरी है उसमें आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, पेज नंबर 19, 21 पे, 19 और 21 पे इंशाल्लाह, तो वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा इसी वीडियो की भी आप पे, इसी जो है लॉजिक की, इसी कॉन्सेप्ट की भी आप पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर हमारा कम्प्लीट हो चुका है, अल्लाह हाफिज़।